हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के लोटे में डाली जाने वाली कुछ खास चीजों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसे पूर्णमासी या पूर्णमासी भी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान के बाद दान पुण्य करता है और श्री हरि का पूजन करता है तो उसका भाग्योदय होने लगता है। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 3 जून दिन शनिवार को है। इसी दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री पूर्णिमा व्रत भी रखेंगी। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिनों के संयोग के साथ ही रवि, शिव और सिद्ध योग में मनाई जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार इन योगों में किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। इस दिन अगर पूजा पाठ के अलावा कुछ विशेष कार्य किए जाए तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस तिथि का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी शुभ तिथि के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून को सुबह 11:16 पर होगा और इसका समापन 4 जून को सुबह 9:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 3 जून 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि का स्नान दान 4 जून रविवार को होगा। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:58 से 12:51 तक। अमृत काल मुहूर्त होगा साय 7:11 से रात्रि 8:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। अब जान लेते हैं इसके शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रवि योग, सिद्ध योग और शिव योग का संयोग बन रहा है। पूर्णिमा के दिन इन 3 योगों का निर्माण होना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। सिद्ध और शिव योग में की गई पूजा व कार्य सफल होते हैं। दोस्तों, इस दिन सिद्ध योग 3 जून की दोपहर 2:48 से 4 जून की सुबह 11:59 तक रहेगा। रवि योग 3 जून की सुबह 5:23 से सुबह 6:16 तक होगा। वहीं शिव योग 2 जून की शाम 5:10 से 3 जून की दोपहर 2:48 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले महिलाओं को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री की तरह इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद एक बांस की टोकरी में सभी पूजन सामग्री और सुहाग का सामान रख लें और वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा के लिए बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। दोस्तों, बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब बरगद के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत या कलावा बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा सुनें और आरती करें। दोस्तों, यदि आप घर पर ही पूजा कर रही हैं तो वट वृक्ष की एक डाल घर लाकर भी इसकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, आज के दिन बरगद वृक्ष के नीचे व्रत कथा पढ़ने या सुनने से अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूरी होती है। आइए जान लेते हैं चंद्रमा से जुड़े उपायों के बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्रमा से होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा या पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के दर्शन करना और चंद्रमा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को साक्षी मानकर किए गए पूजा पाठ व उपाय के फल तुरंत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार 3 जून की रात्रि में सिद्धि योग रहे, इसलिए इस समय चंद्रमा से जुड़ा ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए पूर्णिमा की रात चंद्र उदय होने पर एक लोटे में शुद्ध जल भरें और इस जल में दूध, मिश्री, चावल मिला लें। ये तीनों ही चीजें चंद्रमा से जुड़ी हैं। अब इस जल को चंद्रमा को अर्घ अर्पित करें। इस दौरान ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। दोस्तों, इस उपाय से न सिर्फ आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है बल्कि चंद्र ग्रह के शुभ फलों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता व सिद्धि के योग भी बनते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।